हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन ग्लास स्किन कैसे अचीव करते हैं विथ जस्ट इजी 5 स्टेप्स, वो भी घर बैठे बैठे। आप सब देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल लग रही है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, पिगमेंटेशन है, रेडनेस भी है थोड़ी बहुत। तो आज हम इन सब को हटाएंगे सिर्फ 5 स्टेप्स में, और मेरा मेन फोकस रहेगा डलनेस को हटाने में, ग्लो वापस लाने में, एक वो जो ग्लास स्किन जो मुझे चाहिए वो लाने में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर कि आपके जो हेयर है वो पीछे अच्छे से बंधे हो, आपने कोई भी रिंग या इयररिंग्स वगैरह ना पहना हो। नाउ लेट्स बिगिन द जर्नी टू ग्लास स्किन। सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग। उसके लिए हम यूज करेंगे रॉ मिल्क और कॉटन पैड्स। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कच्चा दूध यूज कर रहे हो, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉटन को मिल्क में डिप करना है और अपने फेस को क्लीन करना स्टार्ट कर देना है, जस्ट लाइक द वे आई एम डूइंग इट। रॉ मिल्क आपकी जो स्किन में रेडनेस है उसको काम डाउन करेगा, जो सनबर्न है, जो इरिटेशन है, उस सबको शांत करेगा। और इसमें ना लैक्टिक एसिड भी होता है जो माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करेगा। आप ये क्लेंजिंग 2 से 3 बार कर सकते हो, और जब तक आपको श्योर नहीं होता कि आपकी सारी इम्प्योरिटीज हट चुकी हैं फेस से। अब आपको इसको 2 मिनट लगा के छोड़ना है। आप कॉटन को डिप करके चीक्स में लगा के छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यू हैव टू वॉश इट ऑफ विथ वाटर। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, डेट इज स्क्रबिंग। उसके लिए मैंने यूज करा है चावल का आटा, राइस फ्लावर, कच्चा दूध, रॉ मिल्क और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। चावल का आटा आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, जो आपके पोर्स हैं उनको अनक्लॉक करता है, स्किन को तो ब्राइट करता ही करता है, ये तो आपने सुना ही होगा, राइस टोनर, राइस वाटर, बट साथ ही साथ आपकी ये स्किन को स्मूथ, यूथफुल और जो टेक्सचर होता है ना स्किन का, वो बहुत बेटर हो जाता है। एलोवेरा जेल मेरी सेंसिटिव स्किन को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड किया था। एलोवेरा जेल इन्फेक्शन और जो एक्ने का बैक्टीरिया होता है ना उसे भी किल करता है। अब आप अपने फेस को अच्छे से टाइमर लगा के स्क्रब करना फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। मेक श्योर जेंटली करना है, ज्यादा रब नहीं करना है, इवन दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं है कि आपकी स्किन में रेडनेस दे जाए, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत जेंटली स्क्रब कर रहे हो। उसके बाद जब आप अपनी स्किन को वॉश कर लोगे, इतनी स्मूथ, इतनी इवन टोन स्किन दिखेगी आपको, मज़ा आ जाएगा। राइस फ्लावर ना ब्राइटन अप भी करता है जैसे आपको पता है, तो आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो दिखने लग जाएगा। थर्ड स्टेप में मैंने अपना पूरा फोकस दिया है अपने डार्क सर्कल्स को। मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी इंटेंस है, तो उनके लिए अलग स्टेप करना तो ज़रूरी है। उसके लिए मैंने लिए हैं ग्रीन टी बैग्स और उसको आइस में डैब डैब कर रही हूँ। मेक श्योर ये ग्रीन टी बैग्स थोड़े ठंडे हों, ओवरनाइट फ्रिज में नहीं रखना है, बस ये रूटीन चालू करने के 15 मिनट पहले आप इसको फ्रिज में रख लो। आपको ये स्टेप भी 4 to 5 मिनट्स करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डैट इज अ फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट, बेसन, हल्दी और दही। बेसन आपके पोर्स को टाइट करता है, डी टैनिंग में हेल्प करता है। आई नो हल्दी भी हेल्प करता है, बट बेसन भी आपको डी टैनिंग में हेल्प करता है, और जो हल्दी है वो स्किन ब्राइटनिंग में भी करता है, जो ग्लो है आपकी स्किन का वो वापस आ जाता है। और दही मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन और नरिशमेंट के लिए ऐड किया है। आप चाहो तो इसमें हनी या दूध ऐड कर सकते हो, आप थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हो, बट लेमन मेरी सेंसिटिव स्किन में काम नहीं करता, इसलिए आई स्किप्ड ऑन लेमन। मास्क की अच्छी लेयर लगा के आपको छोड़ना है इसको 10 मिनट, और उसके बाद धुल लेना है। अगर आपने हल्दी ज़्यादा डाल दी थी तो कोई बात नहीं, थोड़ा फेस स्टेन हो गया होगा, बट एक बार फेस वॉश अच्छे से कर लो विथ अ क्लेंजर, आपका वो स्टेन भी चला जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट 5th स्टेप की तरफ, डैट इज अ मसाजिंग क्रीम। ये क्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, हाइपर पिगमेंटेशन में भी काम करता है। ऑन द अदर हैंड एलोवेरा जेल, एज आई टोल्ड यू, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग इंग्रेडिएंट है। अब इन दोनों को मिक्स करके मैंने बना ली क्रीम और अपने फेस को करा मसाज। अगर आपको एलोवेरा जेल या विटामिन ई में से कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है तो आप अपना मॉइस्चराइजर लेके वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज मुझे तो एलोवेरा जेल और विटामिन ई दोनों सूट करते हैं।
बिफोर और आफ्टर की भी मैं फोटो डाल रही हूँ, कोई भी रिंग लाइट नहीं जल रही है, इतना बढ़िया ग्लो आया है। मेक श्योर टू ट्राई आउट दीज 5 स्टेप्स और मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ऐसी और वीडियोज के लिए मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके बाई।